इसकी ये टेस्टिस हैं, ये हॉर्स के टेस्टिस हैं और ये ऑक्स के टेस्टिस हैं। इसका ये हॉरिजॉन्टली अटैच होते हैं हॉर्स के और ये वर्टिकली होते हैं। ये 8 to 10 ग्राम होते हैं, ये 10 to 12 ग्राम होते हैं। ठीक है। इसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। इसके दो होते हैं सरफेसिस, बाहर की होती है पाइटल, अंदर वाली होती है विसरल। उसके बाद हाँ विसरल, और ये जो होती है ये कहते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ठीक है, इसके ऊपर लेयर होती है ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ये वाली जो लेयर है अंदर वाली। ठीक है, उसके बाद ये वेज डेफरेंस है, ये कोई ये वेज डेफरेंस है ये वाली। उसके बाद ये इंटरनल क्रीम एसिटर मसल्स हैं, ये वाले इंटरनल क्रीम एसिटर मसल्स हैं। उसके बाद ये है मिजोर्शियम, ये जो है ये मिजोर्शियम है। मिजोर्शियम में चार चीज़ें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होते हैं, नर्व होता है और लिम्फेटिक डक्ट होती है। ठीक है, अगर ये सात चीज़ों को मिलाएं ना तो वो बन जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। सही है, तीन ये और चार ये हैं। अच्छा, एक वो इंटरनल क्रीम एसिटर मसल, वाज डेफरेंस और ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ये सात को मिलाएं ना तो ये बन जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। उसके बाद ये एपिडिडिमस है, जिस साइड पे वेज डेफरेंस है ना उस साइड पे एपिडिडिमस की टेल है, इधर ये हेड है ऊपर वाला, ये बॉडी है सारी। जो टेल है ये एक लिगामेंट से अटैच होती है दूसरे पार्ट से, उसे कहते हैं लिगामेंट ऑफ टेल ऑफ एपिडिडिमस। ठीक है, उसके बाद अंदर वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह। उसके बाद ऑक्स भी आ जाओ, ऑक्स में ये एपिडिडिमस है, ये उसका हेड है, ये बॉडी है और ये टेल है। उसके आगे ये वाज डेफरेंस है। अच्छा, ये मिजोर्शियम है, चार चीजें होंगी, आर्टरीज, वेन्स। अच्छा, इसी में होंगे नर्व और लिम्फेटिक वेसल। ये ट्यूनिका एल्बोजिनी है, ट्यूनिका वेजिनालिस इसमें से रिमूव है, वो नहीं है ऊपर है। ठीक है, इसे हम स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं कह सकते क्योंकि इसमें मिस है, इंटरनल मैसिटर मसल भी मिस है, प्रीमैसिटर मसल भी मिस है और ट्यूनिका वेजिनालिस भी मिस है। ठीक है, बाकी अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।